अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो आज हम सुबह उठ के तकरीबन सुबह के 9 बज रहे हैं। हमने जाना है कचहरी, छोटा सा काम पड़ गया। कल उन्होंने कहा उठो, चलो यहाँ से गेट आउट हो जाओ। तो बस जा रहे हैं, जाके देखते हैं क्या होता है और क्या नहीं, आपको भी साथ बताते हैं। तो जब तक आप ये देखिए, आज हमारे पास है बॉस, सब गाड़ियों की बॉस है हमारे पास। चले ना, चल के आपको फिर बताते हैं कैसी। अभी हम पंप पे आ गए, अभी हम पेट्रोल डलवाए, इसमें पेट्रोल नहीं है बिल्कुल, आप चेक कर सकते हैं। पेट्रोल डलवाएंगे फिर निकलते हैं, फिर आपको बात कचहरी पहुँची आपको बताएंगे क्या सीन है क्या नहीं है। अभी हम कचहरी आ चुके हैं, बहुत दूर है, कचहरी का रास्ता ही नहीं मिल रहा था। न्यू कचहरी बनाई है ना इस्लामाबाद, हमें पता ही नहीं था कौन से रास्ते से जाना है कौन सा नहीं। आए भी हम कचहरी के बाहर आ चुके हैं, चेक करें आप। ये है इस्लामाबाद कचहरी, भी हम जा रहे हैं अंदर, फिर आपको आके दिखाते हैं क्या है क्या नहीं। बहुत थक गए, आज गर्मी भी बहुत है और आज रोज़ा बहुत तंग करेगा। चले फिर अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या कुछ। कचहरी से निकल आए हैं हम, अब जा रहे हैं घर की तरफ। वापस जो काम था कर लिया, बस इन दो पेपरों की वजह से रुल गए आज की गाड़ी। अब चलते हैं फिर वापस जा कर फिर देखते हैं, मार्ट पे जाएंगे फिर देखते हैं क्या शुगर चीन है, क्या शुगर लगाना है। आज भी आएगा तो फिर चले तो मिलते हैं। मार्ट आ चुके हैं हम, रहे हैं अभी मार्च की तरफ। ये आगे हम मार्च देखते हैं कौन है, पूरी कंपनी वाले। क्यों शेरा सुनाओ, आ चुके हैं कंपनी वाले, आए हुए हैं, देखते हैं क्या होता है। हम तो सही और कोई लड़का तो भी नहीं आया, लड़का तो कोई भी नहीं आया होगा। बस सोते हैं, जाना है एक जगह फिर उसके बाद। सो के उठ चुके हैं हम, जब सो के बाहर निकले देखे कौन आया हुआ है। आजी आज साहब कैमरे में हाथ ला दे, ओनर साहब को देखें, पता नहीं फ़ोन पे छुप छुप के लगे हुए। जी तो फ्रेंड अभी हम फ्रेश हो चुके हैं बिल्कुल, नमाज वमाज पढ़ लिया। आज साहब आप क्या करने को बैठते हैं, हाजी भाई का इंतजार करते हैं। वो तो नहीं आएगा आज, आ रहे होंगे। नहीं नहीं ये झूठ आपने सुना है, बिल्कुल झूठ सुना है। कहता है मुझे रात को कहता है कढ़ाई ले आई, उसके बाद सिलेंडर ले आई, तो फिर बैठ के कढ़ाई बनाएंगे इधर ही, तो इफ्तारी करेंगे। हम लेके वो खाली बनाएंगे साथ। हाँ खाली बनाएंगे, माशाल्लाह। उनको बोलते हैं ना सर आप कुछ भी ना करें हम खुद ही कर लेंगे। मैंने कहा तो छोड़, हम खुद सारा कुछ लेंगे और बना लेंगे, पर आज बनाने की तू क्यों बनती। वो तो कह रहा है जी, मुझे कॉल कर रहा है, कह रहा है कि मुझे लेने के लिए। तो उसे कहा खुद आज टांगे नहीं दी अल्लाह ने, सर प्रोटोकॉल मांग रहे हैं। जिसका तो इंतजार वो शाकार आज का बातें दोस्त आ गया, बहुत लेट हो गए हो। फातेह ढोल आ चुका है, फातेह बताओ इनको आप आ चुके हो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह गाइस, आपने आज बहुत सपोर्ट दिखाया कल के ब्लॉग में, इस तरह तरह के और ब्लॉग भी आएंगे आप और देखें, बहुत खुशी हुई है, दिल की खुशी हुई है, बहुत शुक्रिया जनाब। अब फातेह ढोल आ गया, दूसरा ढोल जा रहा है यार, ये देखे नाश्ता नाश्ता यार। तो आप और कोई आता फिर आपको दिखाते हैं उसका भी शुगर मिला। पहले तो मेरे पास से लेके आता है कि सलाम दिए चाचा को, दे दे बहुत बढ़िया दीजिए। ये देखे ये देखे इधर, ये क्या ठीक है सही ना, इस बेचारे के साथ जुल्म ज्यादती होती रहती है, और कोई चक्कर नहीं है। आजी साहब भी जा रहे हैं अपने घर। अच्छा कब करा रहे हैं इफ्तारी इन साहब की? के बाद इंशाल्लाह हम आपसे मिलते हैं,
आपको इफ्तारी भी हम देंगे इंशाल्लाह 29वें रोजे आपको इफ्तारी हम देंगे अपनी तरफ से। खाना शराब आप अपने घर से लेके आइएगा, दुआ हम करेंगे। हाँ ठीक है साहब, आपने सुन लिया ना, आप हमने इफ्तारी आपको देनी है इसलिए आपने आप बांधा है जरूर। ठीक है साहब, को दावत है हमारी तरफ से। चीज़ तो गाइस इस टाइम हम अभी टोपी लेने आए हैं। ये हसन भाई जी कैसा लाग रहे हो? शोम लाग रहे हो? शोम लाग रहा है शोम। देखो ये ना राजे वाली टोपी पहन ली है, इसमें से देख, इसमें से ये वाली क्या कर, ये वाली ठीक लग रही है। चलो ये वाली इनको डाल करो, पैसे दो। कितने खान भाई पैसे हैं? नासर भी बोला। तो जी गाइस, आपने अभी टोपी ले ली है और अभी हम ईद की पैसा करवाने जाएंगे और आपको आगे दिखाते हैं। और ये हसन भाई इजी पैसा करवाते हुए, हमारे बड़े प्यारे भाई है ये हसन भाई। और ये हमारे बहुत प्यारे भाई हैं, साकी भी आप के भाई ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि पीने चाहिए। अभी हम जा रहे हैं, आज भी बात करना है। और ये हमारा बाइक, हम अफ्तारी करके मार्ग में वापस आ चुके हैं। हमारे दो पसीने भी आ गए हैं, आदिक जोन जिसको आपने आज सुबह से नहीं देखा, कितना गायब थे शेरा, ये देखो इसको रोजा लगा हुआ था, सो गया था। फाते को तो आपने देखा ही था आया हुआ। कैसी लेनी है इंशाल्लाह? इन्होंने रैकेट ही तोड़ दी है आपस में खेलते खेलते। फाते जी क्या हुआ है? इसको मैंने बोला था ये टूटेगा। किसे से तोड़ा? चेक कराओ, बीच में से यू करके ला रहा है, कह रहा है आज के ये देख, मैं अब क्या देखूं इसको, ये इसका कुछ रहा है ये देख ले, इन निकम्मू के काम है ये। ये मैं फाते ने 700 रुपए के ला के कहते 1000 रुपए के लाए हैं। कसम अल्लाह की 300 रुपए खा गया। लागी कसम, झूठ भाई मैं नहीं मानता। अभी हमारे बाबा के पास आ चुके हैं, ये देखें फुल मेहनत कर रहे हैं। बाबा क्या कर रहे हैं? शेरा मेहनत कर रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? शेरा ने भी काम खोला हुआ है, रमजान है, ये ईद लगाना चाह रहा है। ये इसके चाचू हैं, ये देखिए ये भी साथ काम कर रहे हैं, ये अरबाब भाई भी लगे हुए। असल में अफ्तारी के पास वर्कर नहीं आते, वर्कर को ही छुट्टी दे देते। अभी हम इससे बात आए थे, हमारा भी थोड़ा भाई मस्ती कर रहा था, हमने कहा वो भी साथ करा लें। बाप भाई इसका क्या काम कर रहे हैं आप? गदारी डाल दी। अच्छा, इधर बाइक की डील चाल दिया, वो 125 खड़ा है, वो आप देखें, ये इसकी डील चाल दिया। ये दो बंदे फंसे हुए हैं, लाओ जी रेट 20,000 जी। क्यों जी? इधर डील नहीं बांधी अलबाब भाई, आप बताए क्या करना चाहिए? नहीं बेचना आपने भाई, आप बता दे फाइनल पैसे। 22,000 देखें गाइस डील हो रही है, पर ये बंदा नहीं पा रहा। अजी भाई लाया भाई घूम, 50,000 रुपए मैं अभी नगद देता हूँ। चलो चलो दे ना, ना करी हूं दे सा जगह पर, पैसे निकलने नहीं ना भाई।
अब हम व्लॉग को यहीं एंड कर रहे हैं, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें। तो इंशाल्लाह कल मिलते हैं आपके साथ एक न्यू व्लॉग के साथ। अल्लाह।